जी मैडम, समर्थन मिल रहा है आपको, जन समर्थन भारी मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे तमाम बल्लभगढ़ की पब्लिक के लिए? डोर टू डोर कार्यक्रम सफल होता हुआ नजर आ रहा है, इसमें समर्थन की मेहनत है और हम सबका साथ है तो कामयाबी तो मिलेगी ही मिलेगी जी। ऐसा नहीं है, जो भी काफी दिन हो गए बीजेपी को इस तरह से करते हुए तो जी मैडम आप क्या कहेंगी? मेरा परिवार है बल्लभगढ़ का और ये लोग इतने उत्साहित हैं, सब लोग अपनी बेटी को अपनी बहन को जो प्रेम दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, वोटों के रूप में तब्दील होगा और हम बल्लभगढ़ से कांग्रेस पार्टी की जीत कराकर कांग्रेस पार्टी को सरकार बनवा के बल्लभगढ़ की सीट को नंबर वन सीट बनाकर दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात है 10 साल में लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं और जहाँ जनप्रतिनिधि को जनता की लड़ाई लड़नी चाहिए वहाँ वो अपनी खुद की निजी कमाई बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिसका खामियाजार इलाका भुगत रहा है, इलाके के बच्चे भुगत रहे हैं। समझदार जनता जानती है अब बदलाव की बयार है और बल्लभगढ़ तैयार है। लेकिन मैम बीजेपी वाले कहते हैं हमारे राज्य में विकास बहुत हुआ है। विकास तो जनता बताएगी, बीजेपी कैसे बता सकती है, जनता बताएगी क्या विकास हुआ है। सड़कें टूटी पड़ी है, सीवर जाम है, सीवर लाइन है नहीं, इलाकों में गंदगी के ढेर है, कूड़ा कचरा, ये लोग के वोट मांगने तो जाएं, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये लोग एक बार वोट मांगने तो जाएं जनता के बीच में। और इनके रिजॉर्ट के बाहर देखो क्या गंदगी मिलेगी, कूड़ा कचरा मिलेगा कहीं नहीं, पूरी साफ सफाई बिल्कुल क्लियर मिलता है, क्लियर मिलता है ना। तो इलाका जो है वो उससे इनका कोई सरोकार नहीं है, इनका सरोकार है अपने बिजनेस से, मिलन रिजॉर्ट से। जी तो बल्लभगढ़ के लोगों से क्या अपील करेंगी मैडम? बल्लभगढ़ के लोगों से क्या अपील करेंगे? हाथ जोड़कर अपील करती हूँ बल्लभगढ़ की जनता से, अपने परिवार से, आप लोग अपने वोट का सदुपयोग करें और एक बेहतर बल्लभगढ़ बनाने में हमारी मदद करें, इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को वोट करें, महंगाई बेरोजगारी स्वास्थ्य और शिक्षा को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को वोट करें।